आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात सन 1966 की है। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी भर अनाज को तरसने लगे और कई जगहों पर तो लोग एक दूसरे को मारकर भी खाने लगे थे। एक गांव था माधवपुर। जब पूरे देश में अकाल फैला था तो माधवपुर भला इसकी चपेट से कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और खुशहाल माधवपुर के लोग अकाल के समय में दाने दाने को तरसने लगे। कुछ समय तक तो जैसे तैसे गांव के लोगों का पेट भरा। चूंकि 1965 और 66 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा, इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार नहीं के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा कुचा अनाज था लोग वही खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले समृद्ध लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो मोबाइल था और ना ही टेलीफोन, एक दूसरे की खबर लेने में महीनों का भी समय लग जाया करता था। माधवपुर गांव के मुखिया के यहाँ मनोहरपुर गांव के रहने वाले भुवन ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वो तो गनीमत थी कि भुवन के गांव में अभी तक खाने भर का अनाज बचा हुआ था, इसलिए भुवन और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन भुवन ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बहन के घर से हो आऊं, और यही निश्चय करके अपनी बहन के घर को रवाना हो गया। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब भुवन ट्रेन से माधवपुर स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पर उतरते ही भुवन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने देखा सारा स्टेशन वीरान पड़ा है, मानो वो स्टेशन पर नहीं किसी शमशान में उतर गया हो। कहीं एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। भुवन का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उसे लगा कहीं अकाल की चपेट में उसकी बहन का गांव माधवपुर भी तो नहीं आ गया। फिर भी हिम्मत करके वो स्टेशन से बाहर निकला। बाहर भी खूब अंधेरा पसरा हुआ था, कहीं रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी। मन में डर और घबराहट के साथ भुवन माधवपुर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई हो या चिरागों को रोशन करने वाले। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसे माधवपुर के घर दिखाई देने लगे, पर आश्चर्य कि पूरा स्टेशन जहां वीरान पड़ा था, स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। वहीं माधवपुर का हर घर रोशन था। इसका मतलब ये था कि माधवपुर में अभी भी कुछ लोग सुरक्षित थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए भुवन अपने बहन के घर के रास्ते पर आगे बढ़ा और चलता हुआ बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया, सब खत्म हो गया। पर भुवन इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बैठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया, पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें शून्य को निहार रही थी। वो बातें तो कर रहे थे पर भुवन के साथ होकर भी वो उसके साथ नहीं थे। कुछ समय बातें करने के बाद उसकी बहन ने कहा, तुम इतनी रात का आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। उसके लिए वो खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर नींबू का एक पेड़ था। भुवन बारामदे में बैठ गया और उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों पर सब उसे घूर कर ललचाई नजरों से देख रहे थे। भुवन की बहन ने उसके सामने खाने की थाली रख दी, सिर्फ रोटी और नमक। अकाल के समय थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफी थी। पर भुवन ने कहा, कुछ नहीं तो एक नींबू हिला दो,
मैं नमक नींबू और रोटी खा लूंगा। जैसे ही भुवन ने नींबू तोड़ने की बात की, उसकी बहन ने बारामदे में बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बारामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दी। भुवन को काटो तो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उसने पलटकर बहन की तरफ देखा, उसकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसने भुवन को खा जाने वाली नजरों से देखती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी भुवन की ओर लपके। भुवन ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आकर रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी, भुवन उसी ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो भुवन ट्रेन से उतरा तो उसके मन में उसकी बहन और उसके गांव वालों को लेकर एक सवाल था। भुवन ने सोचा कि एक बार वो फिर जाकर देखेगा कि जो रात में हुआ, जो कुछ भी उसने देखा, क्या वो सच था या सिर्फ उसका एक वहम। वो फिर अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर चल दिया और रास्ते में उसने जो भी देखा, उसे देखकर उसका दिल दहल गया। लगा मानो उसका कलेजा फटाएगा। माधवपुर के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के लाश और आदमियों के शरीर के सागार से भरा हुआ था। अपनी नाक बंद किए हुए भुवन बहन के घर के पास पहुंचा। उसने देखा रात को जो नींबू का पेड़ लहला रहा था वो सूखा पड़ा था। हर बरामदे में अभी भी वो थाली पड़ी हुई थी जिसमें उसकी बहन ने रात में रोटी परोसी थी। उसने देखा वो थाली कंकड़ों से भरी हुई थी। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसे उसकी बहन और उसके परिवार वालों के मृत शरीर मिले। सबकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबके सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। अब भुवन को उसकी बहन की कही बात का मतलब समझ आया, जो उसने कहा था कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा खलासी राजू पिछले 15 मिनट से ढाबे में खाना लाने के लिए घुसा है, मगर पता नहीं क्यों वो अभी तक खाना लेकर लौटा नहीं। तेज भूख की वजह से पेट के चूहे भी मर चुके थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना फोन उठाया और राजू को फोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी खाना लेकर राजू ट्रक में आ गया। उसके आते ही मैंने पूछा, क्या कर रहा था इतनी देर से? इस पर राजू बोला, अरे वो गर्मा गर्म बनवा रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया। चलिए उस्ताद, खाना खाते हैं। खाना सच में बड़ा स्वादिष्ट था। अब खाना अच्छा था या मेरी भूख बढ़ी हुई थी ये नहीं मालूम, मगर हाँ, खाना खाकर मजा आ गया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि तभी राजू के पास वाली खिड़की पर कोई भिखारी आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कुछ देने के लिए बोलने लगा। पहली बार तो राजू ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद भी वो जब नहीं माना तब राजू ने उसे डांटकर भगा दिया। मगर जाते जाते उस भिखारी ने कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, बहुत गलत किया। इतना बोलकर वो भिखारी वहां से चला गया। उस वक्त तो हमने उसकी बात को हवे में उड़ा दिया, मगर हमें पता नहीं था कि कभी कदार लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है। खैर, खाना खत्म करने के बाद ट्रक स्टार्ट करके हमने अपना सफर शुरू किया। हाईवे पर फैला सन्नाटा ही ये बताने के लिए काफी था कि रात बहुत हो चुकी है। 70-80 की रफ्तार में हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी। हाईवे पर जितना सन्नाटा था उतना ही अंधेरा। मन में मौसम बिगड़ने का डर भी था, क्योंकि बीच बीच में बादलों की गर्जन
और बिजली की चमकाहट हम साफ सुन और देख पा रहे थे। खैर, ट्रक चले जा रही थी। स्कूल बेंच और फर्नीचर से ट्रक पूरा भरा हुआ था। हमें जिस गांव में माल उतारना था वो अभी काफी दूर था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी राजू बोला, उस्ताद आगे मोड़ से दाएं ले लेना। इस पर मैंने पूछा, क्यों, रास्ता तो सीधा है ना। इस पर राजू बोला, उस्ताद ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि अगर थोड़ा जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारा ही अच्छा होगा। और वैसे भी मैं बहुत बार सैकड़ों शॉर्टकट रास्तों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैंने भी बिना किसी अगर मगर के सामने मोड़ पर जाकर ट्रक को दाईं ओर मोड़ लिया। अब हमारे सामने जो रास्ता था वो रास्ता कम जंगल ज्यादा लग रहा था। घने लंबे पेड़ रोड की ओर इतना झुके हुए थे कि हमारी ट्रक बार बार उन पेड़ की टहनियों से टकरा रही थी। रास्ते का ऐसा हाल देखकर मैंने राजू से पूछा, तुझे पक्का पता तो है ना कि यही है वो शॉर्टकट। इस पर राजू बोला, इधर से ही सुना था मैंने, पर ये था या इसके आगे वाला समझ नहीं आ रहा। इस पर मैंने बोला, क्या यार, जब मालूम नहीं था तो क्यों बोला, या आने के लिए अब उतना घूमकर जाना पड़ेगा। इस पर राजू बोला, नहीं नहीं उस्ताद, यही है वो रास्ता, सामने बोर्ड देखिए। राजू के कहने पर मैंने जब सामने देखा तो सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था बनिहार गांव 49 किलोमीटर। उस बोर्ड को देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली और मैं बेझिझक ट्रक को भगाने लगा। मगर एक बात अभी भी खटक रही थी कि उस पूरे रास्ते पर हमारी ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। मेरी ट्रक और रात कीड़ों की आवाज़ें उस रास्ते की खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ जंगल होने की वजह से इन छोटी मोटी आवाज़ें उस गहरी खामोशी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने सड़क पर हमें एक चेक पोस्ट दिखा। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस चेक पोस्ट पर ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई गाड़ी। चेक पोस्ट का फाटक गिरा हुआ था, लिहाजा मैंने फाटक से कुछ ही दूरी पर ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर फाटक की ओर बढ़ने लगे। मेरी देखा देखी राजू भी उतर चुका था। मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक इंसान तो दूर एक परिंदा तलक भी दिख नहीं रहा था। जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। जब बहुत खोजने के बाद भी कोई नहीं दिखा तब मैं और राजू फाटक के पास गए और अपने हाथों की मदद से फाटक को उठाने की कोशिश करने लगे। मैंने जैसे ही फाटक को हाथ लगाया कि तभी मेरे हाथ में चिपचिपा सा कुछ लगा। मैंने जब अपनी हथेली को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी हथेली पर खून लगा हुआ था। मैंने अपनी हथेली को राजू की तरफ मुड़ाया। मेरी हथेली देखकर राजू बोला, क्या हुआ, क्या फाटक हटाओ। राजू से ये जवाब पाकर मैंने जब अपनी हथेली को वापस से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी हथेली पर लगा सारा खून अब गायब हो चुका था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने राजू से कुछ नहीं बोला और चुपचाप फाटक उठाने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में हम दोनों ने मिलकर फाटक उठा दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खाली था। इधर जंगल बहुत घना था, इतना कि जंगल की वजह से रोड छोटा हो गया था। तभी राजू बोला, उस्ताद वो फाटक खाली क्यों था। इस पर मैं बोला, पता नहीं,
इतना बोलकर मैं ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी ट्रक के ऊपर से खटपट की कुछ आवाजें आने लगी। मुझे लगा शायद झुकी हुई पेड़ की टहनियां ट्रक से टकरा रही होंगी, मगर ऐसा नहीं था। मैंने सिर झुकाकर ऊपर की ओर देखा, लेकिन पेड़ रास्ते और ट्रक से काफी ऊपर थे। तभी मैंने राजू से बोला, यह आवाज कैसी है यार? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी ट्रक की विंड शील्ड पर ऊपर से दो पैर लटकते दिखे। मैं और राजू दोनों ही हैरान थे कि भला कोई चलती ट्रक के ऊपर कैसे बैठ सकता है। हालांकि उस वक्त हमें ट्रक रोक कर देखना चाहिए था, मगर हम दोनों में से कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं था कि ट्रक से बाहर निकलकर देख सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी राजू बोला, उस्ताद ट्रक की स्पीड बढ़ा दो, जो भी होगा अपने आप गिर जाएगा। राजू की ये बात मुझे ठीक लगी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो कोई भी था अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। मैं और राजू डर के मारे थर थर कांप रहे थे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि इस बला से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे, और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रक रास्ते के किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिसके साथ ही मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर मैं बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मैं एक खड्डे में पड़ा हुआ था। मुझ पर मिट्टी फेंकी जा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ गया तो देखा कि सफेद कपड़ों में तीन चार लोग मुझ पर मिट्टी फेंक रहे हैं। उन सभी के चेहरे बड़े अजीब से थे। मैंने उस खड्डे से निकलने की कोशिश की और दो चार बार हाथ पैर मारने पर मैं उस खड्डे से निकल भी गया। उस खड्डे से निकलकर मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि आसपास सिर्फ कब्र ही कब्र है। मतलब ये कि वो एक कब्रिस्तान था। मैं बिना देरी किए राजू को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे राजू कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। वो अजीब लोग भी मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहे थे। मैं पागलों की तरह आवाज लगाकर राजू को ढूंढे जा रहा था, लेकिन राजू उस पूरे कब्रिस्तान में कहीं नहीं था। तभी अचानक ही किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो वही तीनों अजीब लोग थे। तभी उन्होंने मुझे एक झटके से जमीन पर पटक दिया और घसीट कर मुझे उसी कब्र के पास ले जाने लगे जहां से मैं निकला था। लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ा। वो जो कोई भी था उसके पैर पकड़ते ही उन तीनों अजीब लोगों ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में कहीं धुआं हो गए। मैंने पलटकर सामने देखा तो राजू था। राजू ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, उस्ताद चलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। फिर मैं और राजू कब्रिस्तान से बाहर की ओर जाने लगे। अभी हम कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाले थे तभी राजू बोला, उस्ताद आप चलो मैं आता हूँ, ट्रक बाहर ही पड़ी है। लिहाजा मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मेरी ट्रक सामने ही पड़ी थी। ट्रक की हालत बहुत खराब थी। मैं चलकर ट्रक के पास गया और ट्रक में पड़े अपने फोन को निकालने के लिए जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर राजू पड़ा हुआ था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो राजू नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। राजू की लाश देखकर मैं फूट फूट कर रो दिया और उस दिन के बाद से मुझे राजू की आत्मा कभी नहीं दिखी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।